चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। हेलो सभी को नमस्कार, मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल एचडी विद अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। अब हमारे छोटे बंधुओं का इंतज़ार समाप्त हुआ। बहुत दिन से ट्वेल्थ के बहुत छात्रों के कमेंट आ रहे थे, सर ट्वेल्थ का सिलेबस कब स्टार्ट होगा, इस वैश्विक महामारी की वजह से पढ़ाई नहीं चल पा रही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज मैं क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है। आज मैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री पर एक विशेष चर्चा करूंगा, जो आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अच्छे छात्र के पढ़ाई की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है, जो कि उनकी सिलेबस और पढ़ने के तरीके को आसान कर देती है। तो आज हम उस पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। छात्रों, किसी कार्य को करना कठिन नहीं होता है, परंतु कार्य को अच्छा परिणाम देना उतना ही अधिक कठिन होता है। यदि कार्य को अच्छा अंजाम देना है तो अच्छा अंजाम वही लोग दे पाते हैं जिनकी पूर्व प्लानिंग अच्छी होती है। यदि आपकी पूर्व प्लानिंग अच्छी हो और कार्य को धीरे धीरे नियमित आप करते रहें, तो आपके कार्य का जो रिजल्ट होगा वह प्रशंसनीय होगा। यह हमारी पर्सनल थिंकिंग है। तो आइए पूरे केमिस्ट्री पर हम प्लानिंग करते हैं कि पूरे सिलेबस को किस प्रकार कितने टाइम में अच्छे से पढ़ें कि केमिस्ट्री में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। आइए शुरू करते हैं। छात्रों, यदि आपको मेरी यह प्लानिंग, ये रणनीति और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल एचडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ें, किस प्रकार कितना सिलेबस है। छात्रों, जब कभी भी किसी भी क्षेत्र की तैयारी करें या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, उसको पढ़ने से पहले सर्वप्रथम आप उस सिलेबस के बारे में देखें, अर्थात उस क्षेत्र का या उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस देखें कि उस सब्जेक्ट में हमें कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, किस प्रकार के हैं और आपके पास कितना समय है। तो सिलेबस और समय दोनों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है, तो आप एक अच्छे निर्णय को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टरों को पढ़ना है और हमारे पास कितना समय है, कौन सा चैप्टर कैसा है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। तो मित्रों, यूपी बोर्ड का ये ट्वेल्थ सब्जेक्ट, ट्वेल्थ का यूपी बोर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के ही छात्रों के लिए में यह समान है, तो दोनों छात्रों को लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कितने चैप्टरों को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको ट्वेल्थ में के पूरी केमिस्ट्री में 16 सिलेबस हैं, 16 चैप्टर हैं, टोटल यूनिट आप देख सकते हैं पूरे 16 यूनिट हैं। तो आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताते हैं, कहां से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर किस टाइप का है। तो यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट फर्स्ट का नेम है आपका, यानी फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें 3 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से। तो ठोस अवस्था में क्या पढ़ना है, तो आप जितने भी ठोस वस्तुएं हैं, जैसे कि पत्थर है, लोहा है, तांबा है, ये सभी इस प्रकार से जो ठोस वस्तुएं हैं उनके पूर्ण जानकारी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में की जाएगी। सेकंड आपकी यूनिट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अर्थात इसको हिंदी में विलयन कहते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, और यह विलयन क्या है, तो जैसे जल में चीनी डाल दी जाती है तो उसका एक घोल तैयार होता है,
उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं अर्थात विलयन कहते हैं। और जैसे कि आप चीनी को आप मिल्क में डाल देते हैं तो भी एक सॉल्यूशन तैयार होता है, तो इस टाइप के प्रक्रम को हम सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न बनता है। तो वैद्युत रसायन में आप बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और आप इलेक्ट्रोसीरीज पढ़ेंगे अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें आप मेटल्स को पढ़ेंगे और बैटरी का निर्माण इसी में किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से क्या किया जाता है। नेक्स्ट आप यूनिट 4th, इसमें केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के बारे में दिया गया है अर्थात इसमें रिएक्शंस में जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी स्पीड कैसे चेक की जाती है, इन सभी के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके बाद यूनिट 5th है हमारी सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, इसमें आप उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट वगैरह पढ़ेंगे इसमें सरफेस केमिस्ट्री में, इससे 4 नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत प्रक्रम, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है अर्थात निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उनके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट यहाँ पे चर्चा होगी। यहाँ से इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके बाद आपका यूनिट 7th है, इसमें आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का संपूर्ण इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे पी ब्लॉक। आपने 11th में एस ब्लॉक पढ़ रखा होगा, पी ब्लॉक के 2 वर्गों को पढ़ रखा होगा और यहाँ पे पी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपका 3rd वर्ग से स्टार्ट होगा। पी ब्लॉक से 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th यूनिट, इसमें डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आप डी, क्योंकि आपको पता होगा आपने पीरियोडिक टेबल को अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक 4 ब्लॉक में डिवाइड है आपकी पीरियोडिक टेबल, तो उस पीरियोडिक टेबल में आपने 11th में एस ब्लॉक पढ़ लिया था, पी ब्लॉक के 2 ग्रुप को पढ़ लिया होगा, उसके अतिरिक्त जितने भी आपके बचेंगे वो पी ब्लॉक आप 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वह 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 9th यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो प्रिपरेशन मेथड है उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसके जो IUPAC नॉमिनेट होते हैं तो इनका IUPAC नॉमिनेशन हम आपको पिछले इसमें प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा होगा उसमें हम बता चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो सिलेबस में कंप्लीट यहाँ पे पूरा फुल चैप्टर कराएंगे। यहाँ से इसमें 4 नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है आपका 10th यूनिट में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आपका 11th नंबर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है, तो आपका एल्कोहल फिनॉल और ईथर यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करेंगे, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है एल्कोहल फिनॉल और ईथर्स में। नेक्स्ट आपका 12th यूनिट है, इसमें आप एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड से 5 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका 13 यूनिट है, इसमें एमीन्स पढ़ेंगे, जो एमीन्स कंपाउंड होते हैं
एमीन्स के अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वहाँ से चार नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट फोर्थ तीन नंबर है आपकी यूनिट पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बहुलक जिसको कहते हैं हिंदी में, यहाँ से तीन नंबर का प्रश्न बनता है। यहाँ पे आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, बैकेलाइट ये सभी इसी में आप डिस्कस करेंगे। 15 नंबर से बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें विटामिन्स, हार्मोन्स, सभी कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड अर्थात ये सभी दिए हुए हैं, इसको हिंदी में जैव अणु कहते हैं। यहाँ से छः नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है आपका 16 नंबर यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन अर्थात जो रियल लाइफ में यानी एवरीडे लाइफ में हम जो केमिकल कंपाउंड्स के वो यूज़ करते हैं उनकी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप पता है कि नॉर्मली जब जुखाम खांसी हो जाती है तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, दर्द के लिए टेबलेट ले लेते हैं, वो वर्क करती है। और जो भी ऐसे ही जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या मेडिसिन्स हैं जो एक नॉर्मल लाइफ के लिए जो एवरीडे आप यूज करते हैं, तो ऐसे मेडिकल कंपाउंड्स को डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो यहाँ से तीन नंबर का प्रश्न बनता है। तो टोटल अगर पूरे कंप्लीट 16 चैप्टर के नंबर काउंट कर दिए जाएं तो टोटल आपका बनता है जा करके टोटल 70 नंबर का। तो ये आपका 70 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है इस प्रकार। तो छात्रों इसमें 16 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। 16 चैप्टर में आपको बता देते हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको आप, जैसे कि इस समय समर डे चल रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करें, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए टाइम की ज़्यादा आवश्यकता होती, तो ऐसे चैप्टरों को आपको इस टाइम पढ़ना चाहिए जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को समझने के लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आपको मैथ में भी टाइम चाहिए, आपको फिजिक्स में भी टाइम चाहिए, तो इसलिए अन्य सब्जेक्टों के लिए भी टाइम चाहिए। और जब आप सितंबर और अगस्त क्रॉस करते हैं तो उधर आपकी ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस सर्दियों में आपकी पढ़ाई उतनी नहीं उस रूप में हो पाती है, आपके पास समय कम रहता है क्योंकि स्कूल का समय बढ़ चुका होता है आपका, और आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, पेपर आने वाले होते हैं, काफ़ी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं, तो उस समय आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे इतना ध्यान नहीं दे पाने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, जो आप जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन के चैप्टर हैं उनको आप अभी कंप्लीट कर लें, लास्ट जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाने चाहिए हर हालत में। यदि आप एक अच्छे पढ़ने वाले एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को तुरंत कंप्लीट कर लें इस जून और जुलाई में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक जाएं, इसके बाद नहीं। और उसके बाद फिर उधर आप जब वो पोर्शन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे थ्योरेटिकल और रिएक्शन पोर्शन उस टाइम में हमें पढ़ना चाहिए। ये हमारा अपनी व्यक्तिगत पर्सनल थिंकिंग है, बाकी आप जैसा सोचते हो, जैसा आपको उचित लगता हो वैसा आप तैयारी कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका सॉलिड स्टेट से आपका न्यूमेरिकल बनते हैं, सॉल्यूशन से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इन कम्प्लीटली इन चार चैप्टरों से आपका मेन न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। तो इन चार चैप्टरों को आप वैसे अगर आप चाहें तो वन मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी चाह पर डिपेंड होता है, क्योंकि जो चाह लेते हैं वह उतना ही कम समय में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपने अंदर एक जज्बा लाइए तैयारी करने का। आपको पता है आपको 16 केवल चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आप समय कम से कम समय में आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए और इस पर चर्चा ये करते हैं कि आपके पास कितना सिलेबस है। छात्रों आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कम
2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप इस तरह से तैयारी करें कि 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए हर हाल में। यदि उसके पहले भी कर लें तो और बेस्ट होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी समय चाहिए उधर। तो इन सभी समय को और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप कंप्लीट सिलेबस करें। तो आइए आज आगे देखते हैं कि किस प्रकार हम चैप्टरों को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार हम तैयारी करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। छात्रों, इसमें जो आपका न्यूमेरिकल चैप्टर हमने आपको बताए, तो वो आप 4 देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल चैप्टर हैं। तो इन 4 को एक साथ अलग तैयारी कर लें तो आपका 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18 नंबर का इधर न्यूमेरिकल पोर्शन है। 18 नंबर में आपको पता है समथिंग 12, 15, 18 नंबर तक के न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। लगभग 10-12 नंबर का तो न्यूमेरिकल पोर्शन आता ही आता है। तो ये 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लें न्यूमेरिकल पोर्शन का। उसके बाद आप यहाँ पर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनॉल और ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, ये कंप्लीट रूप से आपके रिएक्शन पोर्शन हैं। इनमें से आप डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन दोनों को एक साथ आप तैयार कर लें। इन दोनों को, बल्कि इसको भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी ले लेते हैं, इन तीनों को आप एक साथ तैयार करें। उसके बाद यहाँ से हेलो एल्केन, हेलो एरिन से लेकर के आपका एमीन्स और पॉलीमर्स तक, ये एक ग्रुप में रख लें, क्योंकि ये एक जैसे चैप्टर हैं, सभी में रिएक्शन है। एक चैप्टर को यदि आप कम्प्लीटली अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसी के सिमिलर ये सभी चैप्टर हैं, तो अन्य चैप्टर भी आपके बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 4 आप ऊपर डिवाइड कर चुके हैं अलग, यहाँ पे 3 चैप्टरों को आपने अलग किया। तो यहाँ पे अगर आप नंबर चेक करें तो 7, 3, 10, 10 और 4, 10, 4, 14, तो यहाँ पर टोटल 14 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पे यदि बात करें 10 से 14 तक के पॉलीमर्स तक, तो यहाँ से बात करें 5, 4, 5, 9, 9, 5, 14 और 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 1, 21, टोटल 21 नंबर का यहाँ पर बन रहा है रिएक्शन पोर्शन आपका। और उसके बाद ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपका जूलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये नॉर्मल घरेलू से संबंधित है। तो इन दोनों को अलग पढ़ें, एक साथ पढ़ें, तो 6, 3, 9 नंबर का इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब बीच में जो चैप्टर बचते हैं, जैसे पृष्ठ रसायन और आपका प्रिंसिपल प्रोसेस, तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम, इस चैप्टर को एक अलग पढ़ें। 4 नंबर का प्रश्न इससे भी बनता है। तो इस प्रकार क्लासिफाइड कर लें, और ये भी तय कर लें कि आपके पास अभी जून चल रहा है, जून मंथ से लेकर के आपको समथिंग, यदि आप अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें वैसे 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हालत में। उसके बाद दिसंबर में आप उसकी 1 मंथ में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है। तो इस प्रकार डिवाइडेशन करके हमने आपको बताया। अब देखते हैं, कोई एक चैप्टर हम उठा रहे हैं, उसमें हम बताएंगे कि हम किस प्रकार से उस चैप्टर को भी तोड़ करके आपको समझाएंगे, ताकि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी समझ आपकी विकसित हो सके। तो आइए देखते हैं। छात्रों, मैंने जैसे फर्स्ट यूनिट उठाया है, और इस यूनिट में हम इस चैप्टर को इतने पार्ट में तोड़ देते हैं कि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो, आप बहुत आसानी से एक चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या सप्ताह भर से के अंदर ही आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यदि आप सप्ताह भर के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 मंथ में 4 सप्ताह होते हैं, तो आप 4 चैप्टर 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो
चार का चार से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात चार मंथ में आपका पूरा फुल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर आपका सितंबर मंथ में कंप्लीट हो सकता है, या अक्टूबर नवंबर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपकी प्लानिंग, अर्थात जो मैंने पूर्व में बताया कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसको तोड़ लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ये चैप्टर जो मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो से सिलेबस चलेगा। आप यहाँ पे केवल देख सकते हैं, ये फर्स्ट यूनिट को मैंने तोड़ के आपको शो किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, सॉलिड्स। तो इसमें क्या क्या, इसको चार पार्टों में तोड़ दिया है। पहला फर्स्ट है सॉलिड, अर्थात ठोस क्या है, ठोसों का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे चैप्टर में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ठोस क्या है इसके बारे में सीखेंगे, ठोस का वर्गीकरण करेंगे, अर्थात व्हाट इज सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इनके बारे में। सेकेंड पार्ट में आप ठोसों का निर्माण, प्रकृति एवं परिकलन, आप इस पर चर्चा करेंगे, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड्स एंड मेजरिंग पर, कि किसी भी सॉलिड को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से ये प्रिपेयर्ड हुआ है, इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, और इसको मेज़र किया जाएगा यदि इसके साइज़ को, तो मेज़रमेंट कैसे करेंगे, इन सब पर सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका ठोसों में उत्पन्न दोष, अर्थात डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में थर्ड पॉइंट में चर्चा करेंगे। और लास्ट में ठोसों के गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की डिस्कस करेंगे। तो इन चार पॉइंट में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और कहाँ से, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट यूनिट सॉलिड तीन नंबर के यहाँ से प्रश्न कंप्लीट किया जाता है, तो तीन नंबर का प्रश्न किस जगह से बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ठोसों का निर्माण, प्रकृति अर्थात मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड्स एंड मेजरिंग से, यहाँ से दो नंबर का प्रश्न यहीं से बनता है। जब भी दो नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जो दो नंबर का है, तो वह यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कभी कभी यहाँ से भी दो नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद जब इन पॉइंटों से प्रश्न पूछा जाएगा, सॉलिड क्या है, ठोसों का वर्गीकरण, तो एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, या प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है तो भी यहाँ से भी एक नंबर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अर्थात तीन नंबर का प्रश्न आएगा, यदि दो यहाँ से आएगा तो एक यहाँ से आ जाएगा, या दो यहाँ से आ जाएगा एक यहाँ से आ जाएगा, या इस जगह इस पॉइंट से दो नंबर का उठाया जाएगा तो एक पॉइंट यहाँ से उठाया जाएगा। कुल मिला के तीन नंबर का प्रश्न बनेगा, यहाँ पर इन चार पॉइंटों से बनेगा। इस प्रकार अब एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार मित्रों, आज आपने देखा कि किस प्रकार प्लानिंग है मेरी। यदि आपको मेरी प्लानिंग अच्छी लगे तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, और मेरे चैनल एसटडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आगे बहुत जल्द आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो धन्यवाद।